एक दलित युवक पर दबंगों ने बरसाया अपना कहर। जहां 20 सड़क पर दबंगों ने एक दलित को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा वाकया ललितपुर जिले के थाना पाली के कस्बे का है, जहां कुछ दबंगों ने एक दलित युवक को पैसे मांगने पर उसकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और अब जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित दलित युवक पुलिस अधीक्षक ललितपुर कार्यालय पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित दलित युवक का आरोप है कि वह बैंक में पैसे जमा करने के लिए पाली में गया था, जिसके पैसे मारपीट करने वाले आरोपी ने चुरा लिए। तो वापस मांगने पर इन दबंगों ने दलित युवक की जोरदार सड़क पर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया। तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि इन दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उस पर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर राजीनामा नहीं किया तो जान से मार दिया जाएगा। हमारा नाम शादीलाल अहरवार है, हम ग्राम बंट से आए हुए हैं। समस्या यह है कि 16 तारीख को हम जब बैंक गए अपने पैसे जमा करने, तो बैंक में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो प्रहलाद पुरोहित जनसेवा केंद्र वहीं हमारे गांव के पुरोहित जी का खुला है, तो बोले बैंक यहां रख दो, मार्केट में अगर खरीदारी करनी है तो कर लो। कहां पे? पाली में सेंट्रल बैंक के पास है जो। मैंने अपना बैग उनके यहां, जिसमें 2.5 लाख रुपये नगद कैश थे, जब मैंने 2 घंटे बाद अपना बैग उनसे मांगा तो उसमें से 48,000 रुपये नहीं थे। जब मैंने प्रहलाद से कहा कि भाई इसमें 48,000 रुपये नहीं है, तो प्रहलाद बोले 1-2 दिन में दे दूंगा या मिल जाएंगे। जब मैं 1-2 दिन बाद उनके पास गया तो उन्होंने गाली गलौच की। गाली गलौच करने पर मैंने प्रार्थना पत्र पाली थाने में दिया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने दोबारा उनसे 25 तारीख को बोला तो उनने मेरे साथ कृष्ण कुमार ने, राम कुमार ने और प्रहलाद पुरोहित ने मारपीट की, जिसके चाकुओं से मेरे शरीर पे गहरे गहरे निशान हैं, जिसकी मैंने फिर प्रार्थना पत्र पुलिस थाने में दिया, जिस पर FIR दर्ज, 25 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारे घर रात को 2-2 बजे आते हैं कि अगर आपने केस वापस नहीं लिया और अगर राजीनामा नहीं किया तो जान से मार देंगे। हमारे पास 2-2 ट्रक हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार वालों को कुचलवा देंगे और एक्सीडेंट का मामला दिखा देंगे। ये काफ़ी दबंग और गुंडे आदमी हैं, ये हमें गांव से निकालने की भी धमकियां दे रहे थे। आज हम यहां ललितपुर में SP साहब के यहां दरखास्त लेके प्रार्थना पत्र लेके आए हैं कि महोदय इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनके द्वारा हमें जान माल का बहुत ही खतरा है, ये काफ़ी नामी गुंडे हैं।